Chucky B. Vivo S16 एंड S16 Pro जो आज ही लॉन्च हुए हैं, फास्ट रिफ्रेश रेट, कर्व्ड ओलेड डिस्प्ले, फोटोक्रोमिक टेक्नोलॉजी पैक, सुपर स्लिम इन डिजाइन, 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, न्यू फ्लेक्सिबल प्रोसेसर, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं Vivo S16 और S16 Pro का दोनों फोन्स का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ जो आज ही लॉन्च हुए हैं और कैमरा सेंट्रिक फोन है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। और जैसे कि आपको पता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल में देखने को मिलते हैं, तो ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला की वो भी देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, हमारे टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से ही शुरू कर लेते हैं। तो ये है Vivo S16 Pro का बॉक्स, लीड को ओपन कर लेते हैं तो सबसे पहले फोन ही देखने को मिल जाता है। बाकी बॉक्स कंटेंट देखे तो 66 वाट का पावर एडाप्टर, टाइप सी टू ए केबल, क्लियर के सिम टूल और यूजर मैनुअल मिल जाएगा। और Vivo S16 और S16 Pro दोनों फोन्स के बॉक्स कंटेंट सेम ही मिलेंगे। अब बात करते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड की। तो ये है Vivo S16 और S16 Pro फोन्स, दोनों फोन्स के कलर्स देखे तो सिमिलर ही मिल जाते हैं, डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल है क्योंकि दोनों फोन्स की डिजाइन सेम ही मिल जाती है। दोनों फोन्स की थिकनेस 7.36 mm की है और वेट भी 182 ग्राम्स का है और साथ में फोन्स की हाइट एंड ब्रॉडनेस भी सेम मिल जाती है। फोन में फ्रेम भी एक्सट्रीमली नैरो मिल जाती है, करीब 2.3 mm तक पतली मिलती है। फोन के डिजाइन में मेन हाइलाइट्स फोन का बैक है, बैक यहाँ पे ग्लास का मिल जाता है और ग्लोसी है और साथ में स्मोकी सेफायर पैटर्न भी देखने को मिल जाती है और बैक यहाँ पे फोटोक्रोमिक टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अंडर द लाइट फोन का जो बैक है वो डीप ब्लू कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो भी 10 सेकंड में। फोन का कैमरा मॉड्यूल सिमिलर कलर का मिल जाता है जो बैक का कलर है। मॉड्यूल थोड़ा बम्पी मिलेगा और यहाँ पे तीन बड़े लेंस मिल जाते हैं जो वर्टिकल प्लेस्ड किए गए हैं। राइट में रिंग एलईडी फ्लैश मिल जाती है, बाकी का जो मॉड्यूल है वो आपको प्लेन देखने को मिल जाता है। और फोन का जो बैक है वो स्लाइटली कर्व्ड मिल जाता है और फ्रंट और बैक दोनों कर्व्ड है तो ग्रिप भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। फोन के टॉप में देखे तो प्रोफेशनल पोर्ट्रेट का ब्रांडिंग मिल जाता है। बॉटम में ड्यूल सिम ट्रे, प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और बॉटम फायरिंग स्पीकर मिल जाता है और राइट में वॉल्यूम रोकर और पावर बटन मिल जाएगा। बस फोन में एक ही कमी है, स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलता है। ऑल ओवर फोन की जो डिजाइन है वो सुपर्ब मिल जाती है। Vivo S16 और S16 Pro में डिस्प्ले की बात करें तो दोनों फोन्स में सेम ही डिस्प्ले मिलती है, 6.78 इंच की OLED कर्व डिस्प्ले मिल जाती है, रिजोल्यूशन फुल एच डी प्लस मिल जाता है, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की मिल जाती है, टच सैम्पलिंग रेट भी 360 हर्ट्ज का मिल जाता है, साथ में HDR10+ सर्टिफिकेशन भी मिलता है और SGS आई प्रोटेक्शन का सर्टिफिकेशन भी मिलता है, साथ में P3 कलर गमुट भी मिलेगा तो कलर डेप्थ भी काफ़ी अच्छी मिलेगी और मैक्स ब्राइटनेस लेवल 1300 निट्स तक मिल जाती है, यानी सनलाइट में विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। Vivo S16 Pro में कैमरा की बात करें तो रियर फेसिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा जहां पे प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है जो सोनी IMX766V सेंसर है, सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाएगा। वही Vivo S16 में मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, बाकी के दो कैमरा सेम ही मिलते हैं। फ्रंट में दोनों फोन्स में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, फ्रंट में ड्यूल LED फ्लैश भी मिल जाएगी। आप यहां पे S16 Pro के फोटोज के सैंपल्स देख सकते हैं। Vivo S16 Pro और S16 के परफॉर्मेंस की बात करें तो Vivo S16 Pro में हाल ही में लॉन्च हुआ MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर मिल जाता है जो TSMC के 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है, जहां पे मैक्स क्लॉक स्पीड 3.1 GHz की मिल जाती है। वहीं Vivo S16 में Snapdragon 870 प्रोसेसर मिल जाता है जो पुराना प्रोसेसर लेकिन फ्लेक्सिबल ग्रेड ही है, बाकी रैम LPDDR5 और स्टोरेज UFS 3.1 मिल जाएगी। और दोस्तों डिटेल कैमरा टेस्ट और गेमिंग टेस्ट दोनों फोन्स के इन डेप्थ रिव्यू के वीडियो में बताने वाला हूँ, सो स्टे कनेक्टेड विथ अवर चैनल।
Vivo S16 और S16 Pro दोनों फोन्स में सेम ही 4600 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो एवरेज यूज पे एक दिन आसानी से चलेगी। बैटरी को चार्ज करने के लिए 66 वोट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो बैटरी को 19 मिनट्स में ही 50% तक चार्ज कर देता है। Vivo S16 सीरीज में OS की बात करें तो ओरिजिन OS 3 पर चलता है, जो बेस्ट है Android 13 के ऊपर, जो बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है। Vivo S16 Pro की बेस वेरिएंट की प्राइस इंडियन रुपीज में करीब 40,000 से शुरू होती है और Vivo S16 की बेस वेरिएंट की प्राइस इंडियन रुपीज में करीब 30,000 से शुरू होती है। कंक्लूजन पे आए तो दोनों फोन सेल्फी सेंट्रिक फोन है। S16 Pro में परफॉर्मेंस फ्लेक्सिप मिलेगा और S16 में भी परफॉर्मेंस अच्छा ही मिलेगा। रियर कैमरा दोनों फोन्स के अबव एवरेज मिल जाते हैं, बैटरी अच्छी मिल जाती है और चार्जिंग भी फास्ट मिल जाता है। अब देखना यह है कि इंडिया में ये दोनों फोन्स कब लॉन्च होते हैं। और दोस्तों, इंडिया में ये दोनों फोन्स वीवो की जो वी सीरीज है उसके नाम पे आ गया, शायद वीवो की V26 सीरीज के नाम से लॉन्च हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं वीवो की इस S16 सीरीज के बारे में? कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में आना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, हमारे टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग।